तो हमें क्या करना है कि फाइंड द रेडियस ऑफ दी बबल फॉर्म निकालना है न्यू बबल जो फॉर्म होगा सरफेस टेंशन हमें लिक्विड की दे रखी है 0.072 मीटर तो जो एक बबल का साइज़ दे रखा है वो दे रखा है 0.002 मीटर और सेकंड बबल का दे रखा है हमें 0.004 मीटर तो जो वॉल्यूम निकालते हैं वी वन फर्स्ट बबल की वो जाएगी फोर बाय थ्री पाए आर वन क्यू और वी टू हो जाएगी फोर बाय थ्री पाए क्यूब वॉल्यूम ऑफ सेकेंड बबल तो अब हम सरफेस टेंशन लिक्विड का दिया हुआ है वो है जीरो पॉइंट जीरो सेवन टू न्यूटन पर मीटर अब हमें क्या मानते हैं कि लेट करते हैं कि पी वन एंड पी टू बी एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड टू बबल तो जो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू होती है वो होती है P1 वन इक्वल्स टू फोर सरफेस टेंशन अपॉन R1 और P2 की वैल्यू हो जाएगी फोर एस अपॉन आर और अब कहते हैं कि जो नया बबल फॉर्म हुआ उसका रेडियस सेलेक्ट करते हैं स्मॉल R तो जो उसमें जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा फोर एस अपॉन स्मॉल आर और उसकी वॉल्यूम मान लेते हैं न्यू बबल की 4 बाय थ्री पाए आर क्यूब तो अब हम पहली कंडीशन इसमें ये लगाएंगे कि आइसोथर्मल कंडीशन दे रखी है इसका मतलब जो हमारे पी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी यानी पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू की वैल्यू किसके बराबर जाएगी पी के तो यहाँ से हम पी वन की वैल्यू लिखते हैं फोर एस अपॉन आर वन इंटू वी वन की वैल्यू डाल देते हैं फोर बाई थ्री पाए आर वन क्यूब प्लस फोर एस अपन आर टू इंटू फोर बाय थ्री पाए आर टू क्यूब पी की वैल्यू हो जाएगी फोर एस अपॉन आर इंटू फोर बाय थ्री पाए आर क्यूब तो यहाँ से क्या होगा कि हमारा एक चीज आई कि आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इक्वल्स टू आर तो जो स्मॉल आर आ गया उसकी वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर तो अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं तो जो आर वन की वैल्यू दे रखी थी वो थी 0.002 मीटर का क्यूब प्लस 0.004 का क्यूब स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4.47 इनटू 10 तू दी पावर माइनस 3 मीटर तो ये हमारा आ गया रेडियस ऑफ न्यू बबल फॉर्म्ड क्लास एक्स टू ट्वेल्थ से लेके मीड आईआईटी जेआई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ